सत श्री अकाल जी, मैं हैप्पी सिंगला, तुसी जुड़ चुके हो पहरेदार भारत न्यूज़ नाल। तस्वीरां दिखा रहा सिरसा तो डीसी ऑफिस दी बाहर दियां। अज कुछ अध्यापक भी ने अते पेरेंट्स भी ने अपने बच्चों नू लैके डीसी ऑफिस दे बाहर इकट्ठे होए ने। उन्हां दी मंग यह है कि स्कूल खोले जाण, बच्चों का जो भविष्य है वह खराब ना किया जाए। शराब के ठेके खुले हुए ने, रैलियां हो रही ने, लेकिन स्कूल बंद है। कोरोना की आड़ विच शिक्षा गई पहाड़ विच, ये नारा काफ़ी सफल हुंदा होया दिखाई दे रहा है। रोष है कि स्कूल क्यों बंद ने, कि करोना स्कूलों के विच ही फैलता है, राजनीतिक नेतावां दीयां रैलियां दे विच नहीं है। अज डीसी ऑफिस के बाहर जो अध्यापक गण ने, मापे ने, वो इकट्ठे हुए ने कि स्कूल खोले जान अते बच्चों के फ्यूचर के नाल खिलवाड़ ना किया जाए। हाँ जी सर, आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश है जी, मैं गांव जमाल से हूँ। आज लघु सचिवालय पहुँचे हैं जी। ये हमारे जो स्कूल हैं, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। पिछले 2 साल से बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे नशे के तरफ चल रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि बच्चों का स्कूल खुलवाया जाए और बच्चों को नशे से दूर रखा जाए। बच्चे घर में रहेंगे तो ज़्यादा संगति से खराब होने की है, और बच्चे स्कूल जाएंगे तो बच्चों की पढ़ाई खराब नहीं होगी, पेरेंट्स परेशान नहीं होंगे, टीचर्स हैं वो भी परेशान नहीं होंगे। इसलिए बच्चों के स्कूल के बारे में हम यहाँ पर धरना करने के लिए आए हैं। किनके नाम मांग पत्र दिया जा रहा है? डीसी के नाम ज्ञापन सौंपेंगे जी। अगर बात नहीं मानी जाती, स्कूल नहीं खुलते तो आगे क्या रहे? फिर धरना प्रदर्शन करेंगे जी। जैसे ठेके खुले रहते हैं और स्कूल बंद है, ये कोई बात थोड़ी है। कोरोना है तो ठेके पर क्यों नहीं जाता? कोरोना है तो हर जगह क्यों नहीं जाता? बाजारों में दुकानें बंद कर दी जाती है और ठेके खुले रहते हैं। कोरोना तो होता है तो सभी जगह जाना चाहिए। रैली होती है वहाँ पर, कोरोना नहीं होता क्या? जी हम यहाँ स्कूल खुलवाने के लिए आए हैं जी, डीसी को विज्ञापन देने के लिए। शराब के ठेके खुले हैं और सभी संस्थाएं खुली हैं जी। हर सरकार यही कहती है स्कूल बंद करो, स्कूल बंद कर दो, ताकि लोग पढ़े नहीं और वो आगे नहीं बढ़े। इसलिए हमारा अनुरोध है कि वो स्कूल खुलवाएं जी, जल्दी से जल्दी जी। अब महाराष्ट्र में स्कूल खोल दीजिए, कल की गाइडलाइन जारी करी है उन्होंने। इसलिए हमारा अनुरोध है सरकार से जल्दी स्कूल खोलें जी। बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है जी। ऑनलाइन पर क्या पढ़ते हैं बच्चे जी? कोई घंटा 20 मिनट पढ़ लेता है, फिर फोन देखने लगता है जी, कुछ नहीं पढ़ता जी। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि बहुत जल्दी से जल्दी स्कूल खोलें जी। कोरोना स्कूल में ही आती है जी, इनकी रैलियां होती हैं वहां पर कुछ नहीं होता जी। अब यूपी में चुनाव चल रहे हैं, पंजाब में चुनाव चल रहे हैं, वहाँ रैलियाँ कर रहे हैं, लाखों लाखों लोग भीड़ में इकट्ठा हो रहे हैं जी। कोई रोक टोक नहीं है जी, ये सिर्फ आम आदमी के लिए रोक टोक हो रही है जी, और किसी को कुछ नहीं कहती है जी। कोई मास्क नहीं लगाता है उसका जुर्माना करते हैं, मंत्री है वो मास्क लगाते हैं सभी, कोई नहीं लगाता है जी। इसलिए अनुरोध है सरकार से स्कूल खोलें जी, बच्चों की पढ़ाई खराब ना करें, ताकि उनका भविष्य बना रहे आगे भी।